नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के देह संस्कार के समय क्यों नहीं जलाता उनके शरीर का यह अंग। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा की गई लीलाओं का भी वर्णन सुनने को मिलता है। चाहे वह कंस का वध हो या महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाना हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा ऐसी है जिसका वर्णन हमें बहुत ही कम सुनने को मिलता है। और वह कथा है उनके देह संस्कार के समय शरीर का एक अंग नहीं जला था, जो कि आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़े इस रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने सभी पुत्रों की मृत्यु पर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि उनका संपूर्ण वंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के संपूर्ण वंश के समाप्त होने पर वह बहुत दुखी एवं विचलित रहने लगे। तब उन्होंने अपने मन को शांत रखने के लिए द्वारका को छोड़ एक वन में वास करने लगे एवं वह एक दिन वृक्ष के नीचे लेटकर आराम कर रहे थे। तभी एक शिकारी हिरण का शिकार करने पहुंचा एवं श्री कृष्ण के पैरों को एक हिरण का मुख समझकर उस पर तीर चला दिया, जो कि सीधा श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर लगा। तब वह शिकारी थोड़ा आगे की ओर जाता है तो उसने देखा कि उसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर लगा है। यह देखकर वह अपने आप को एक पापी के समान समझने लगता है एवं श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगता है एवं यह कहता है कि हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण उस शिकारी को शांत होने को कहते हैं एवं यह बताते हैं कि यह सब भाग्य का खेल है। तुम पिछले जन्म में राजा बलि थे, जिनको मैंने अपने राम अवतार के समय धोखे से मारा था, इसी कारण मेरी मृत्यु का कारण भी यही बना। यह सब कहने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा एवं स्वधाम की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण के देह त्यागने की सूचना मिलने पर सभी पांडव बहुत दुखी हुए एवं उन्होंने पूरी विधि विधान के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय जलता ही रहा, क्योंकि ब्रह्मदेव, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विराजमान थे, इसी कारण उनका हृदय राख में ना बदलकर जलता ही रहा। तब सभी पांडवों ने ईश्वर की इस वाणी को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण के जलते हुए उस हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो कि आगे जाकर एक लट का रूप धारण कर लेता है, जो कि बहकर अवंतिकापुरी देश पहुंच जाता है। उस समय वहां के राजा इंद्रियम थे, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे एवं वह एक दिन जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे थे और उन्होंने नदी में तैरते हुए एक लट को देखा और उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यह आम लटों से अलग है एवं उसे ले जाकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रख दिया। कहा जाता है कि राजा द्वारा स्थापित किया गया श्री कृष्ण का यह हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है। और यह भी कहा जाता है कि आज तक किसी मनुष्य ने श्री कृष्ण के इस हृदय को देखा नहीं है। और नवक्लेवर के समय जब 10 या 20 सालों के बीच मूर्ति को बदला जाता है, उस समय सभी पुजारियों की आंखों पर पट्टी एवं हाथों पर कपड़ा बांधा जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के उस हृदय को ना तो कोई देख पाता है और ना ही उसे छूकर महसूस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर